शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। खुरई शहर में प्रतिमाओं को सवारा जा रहा है। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता होने के कारण मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग बढ़ी है। वहीं कारीगर मांग के अनुसार प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारियां तेज हो गई हैं। जगह जगह पंडालों में प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पूजा समितियों ने योजना बनानी शुरू कर दी है। समिति के पदाधिकारियों ने कारीगरों को प्रतिमाओं के लिए ऑर्डर भी देना शुरू कर दिए हैं। शहर के कई जगह पर कारीगर मिट्टी की देवी प्रतिमा बना रहे हैं। कारीगर भगवान दास प्रजापति ने बताया कि उनके पिता प्रतिमाएं बनाते थे। पिता से कला सीखने के बाद उन्होंने चिकनी मिट्टी से प्रतिमाएं बनाने का कार्य शुरू किया। वहीं अब पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की सोच बदली तो मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग भी बढ़ी। मूर्तिकार फूलरानी प्रजापति ने बताया कि पिछले वर्ष काफी घाटा रहा, इस बार बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाई गई हैं, जिससे फायदा होता नजर आ रहा है। मूर्तिकार अरविंद प्रजापति का कहना है कि 3 पीढ़ियों से वे लगातार मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से इस बार छोटी मूर्तियों के साथ साथ बड़ी मूर्तियों सहित बड़े बड़े पंडाल भी देखने को मिलेंगे। पिछले वर्ष जहां दुर्गा पूजा जैसी बड़ी बड़ी मूर्तियां और पंडाल देखने को नहीं मिले, लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग ही होगा। मूर्तियों का काम तो वैसे ही विगत हम 15 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और ये हमारा बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है, तो 3-4 पीढ़ियाँ तो निकल गई हैं काम करते करते, तो बस उसी को अपन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और ये है, ये मान के चलो कि पिछली साल तो लॉकडाउन के कारण 7-7.5 फुट की मूर्ति बन पाई थी, इस बार अपन 8, 9, 10 और 12-15 फुट तक की मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो पिछली साल तो 20-25 मूर्तियाँ ही बन पाई थी, इस बार करीब 90-95 के दरमियान मूर्तियां हो गई, प्रतिमाएं तैयार हो गई। ये अंतिम चरण चल रहा है, बस 2 दिन की बात है, 7 तारीख को स्थापना हो जाना है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बिंदास ये क्या तैयारियां लगी हैं, जाते हैं प्रतिमाओं के लिए। तो ये हमारे खानदानी पुश्तैनी धंधा है, पहले पिताजी से काम करते थे, पिताजी ने किया, उसके बाद में हम लोग भी हो गए सीख गए। पहले बनाते थे मिलाकर पेरिस की मूर्तियाँ, शासन से प्रतिबंधित हो गई, उसके बाद अपने मिट्टी का काम शुरू कर दिया। तो शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना महामारी के चलते हुए अपन ने देखा कि भाई जो साइज दी, जो गाइडलाइन दिया है, उसके हिसाब से अपन ने काम शुरू कर दिया। 2 साल से कोरोना की वजह से बहुत परेशानी हो रही, मूर्तियाँ बेटाई नहीं रही थी, बहुत परेशान हो रही है। हम लोग वो घर परिवार के सब लगे रहते हैं, बहुत मेहनत होती है, बहुत मजदूरी, बहुत लगत लगती है, हर चीज़ मोल लेने पड़ती है, पटिया खील है सब, और अब जो कछु में लगा तो मैं लगाना था, जय सिया राम। 2 साल से बहुत परेशानी है कोरोना की वजह से, अभी साल तक मुनाफा भाई है, भगवान करे अच्छी चल जाए मूर्ति है, सब बिक जाए, मोड़ा मोड़ी घर परिवार सब लगे हैं, बच्चा बच्ची नाती पोता सब लगे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खुरई से मनोज वाधवानी की रिपोर्ट।